हमारे बाबा साहब के बाद उपहार देने वाले लालू जी पैदा लिए। लालू प्रसाद जी हमारे जो पिताजी हैं, जो भी बात करने लगे हमसे कि हम तुमको भेज रहे हैं मेले से, हम खुशी से हमारा ठिकाना न रहा, खुशी का आंसू गिर गया। सीबीआई के जरिए इनको फर्जी मुकदमा फंसाने का काम किया। आज रोग बीमारी से भी ग्रस्त हैं, फिर भी मेरे जैसा को खोज रहे हैं। उनको चार चश्मा लगा करके कहेंगे देखने का काम कीजिए, जो बेरोजगारी हो रहा है, इतना महंगाई हो रहा है, मजदूर आज क्यों स्थिति पर बाहर जाने का, दूसरा स्टेट में जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में अलापरवाही सरकार है, गोंगा सरकार है, बहरा सरकार है, खाली कहते हैं हम काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी विधायक दल की बैठक आज होनी है। लंबे समय के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसादव के नेतृत्व में तमाम जितने आरजेडी के विधायक है वो पहुँचे हैं, जितने विधान पार्षद है वो पहुँचे हैं, और अंदर बैठक जो है वो कुछ देर पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी रजक, देखिए आरजेडी ने जो अपने बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा की है, एमएलसी चुनाव होने हैं, एमएलसी के 7 सीट खाली हुए हैं, जिसमें से 3 सीट जो है वो आरजेडी कोटे में जा रही हैं, और तीनों सीट पर जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है तो मुन्नी रजक जो कि पटना में ही रहती है, कपड़े धोकर उसका जीवन यापन होता है और आरजेडी की कार्यकर्ता है, लेकिन ज़मीन से उठाकर सीधा लालू प्रसादव ने एमएलसी का टिकट थमा दिया और वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी उम्मीद है बन जाएंगी। लेकिन क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना है, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी ने तमाम तीनों ही सीटों पर ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। मुन्नी रजक क्या कुछ कहेंगी जब सदन में नीतीश कुमार मिलेंगे, कई सारे मंत्री मिलेंगे, लालू प्रसादव की विचारधारा को भी जोड़ रही है अम्बेडकरवादी विचारधारा से, क्या कुछ वो कह रही हैं जरा सुनिए। हम तो यही कहेंगे, उपहार तो इतना बड़ा दिए हैं कि चैनल पर, दूरदर्शन पर हमारे जनता जज हैं, जो जनता जज देख रहे हैं, हमारे बाबा साहब के बाद उपहार देने वाले लालू जी पैदा लिए हैं कि बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि लोगों का अधिकार बता दिए कि हमारे मानवताधिकारी क्या होता है, मानवताधिकार। बाबा साहेब संविधान निर्माता जो दुख झेले हैं, जो दुख हम लोग भी झेले हैं, आज आज़ादी के बाद भी झेल रहे हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ से उठा करके आज वहाँ पहुँचाने वाले जो मिलने वाला है, मिल गया, मैंने समझिए कि हमारे लालू प्रसाद जी, मिसा दीदी, राबड़ी माता, तेज भैया, तेजस्वी भैया, पांचों के सहमति से खुशी खुशी हमको घरे से बुलवा करके, नैहर से मैंने एकदम गाड़ी भिजवा करके बुलवा के टंगवा के मंगवा कर लाए। हम तो सोचे कि बर सवित्री आज बर्त है तो कुछ उपहार देंगे, इसीलिए बुला रहे हैं माता जी, लेकिन यहाँ तो आए, गेट पर बैठे हुए थे, अंदर तेज प्रताप भैया आए, बुला कर ले गए माता श्री के पास। लालू प्रसाद जी हमारे जो पिताजी हैं, जो भी बात करने लगे हमसे कि हम तुमको भेज रहे हैं मेले से, हम खुशी से हमारा ठिकाना न रहा, खुशी का आंसू गिर गया। मैंने कपड़ा धो करके आयरन कर करके इसकी संगठन बनाने का काम किए हैं, और मेरे माता पिता भी बसर में थे, कपड़ा धोए थे, यहाँ से आज उठा करके वहाँ भेजने वाले हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद के। और लोग कहते हैं इनके जो सत्ता पक्ष के लोग की परिवारवाद है, परिवारवाद नहीं है, दलितवाद है, जैसे समता देवी, भगवतिया देवी, आज ऐसे हमारे पसमान समाज के, रविदास समाज के, मांझी समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों के, अति पिछड़ा पिछड़ा समाज के लोगों के आज वहाँ पहुँचाने का काम किए हैं। आज भी हमारे से कि घर से बुला करके, मेरे पास अथी मोबाइल भी नहीं है, फिर भी हम पैदल चलते हैं, वहाँ से जब आते हैं तो 6 गाड़ी 7 गाड़ी दिल्ली करके आने पड़ता है, यहाँ फिर भी चल आती हूँ मैं। 30 दिन 29 दिन मैं पार्टी के चलते मैं काम करती हूँ और मेहनत भी करती हूँ। मैं सुप्रीमो से कि क्या मेहनत करके अदा करके दिखाएंगे, और जनता के हम मैं यही मांगूंगी जनता के लिए, केंद्र सरकार से कहेंगे कि इतना महंगाई जो दिए हैं, जो महंगाई दूर करने का काम कीजिए, जो बेरोजगारी का वादा किए थे, जो रोजगार देने का काम कीजिए। हमारा इंडिया पूरा एकदम कमज़ोर बना के धर दिए हैं हमारे जो विपक्ष में, जो पक्ष में बैठे हुए हैं, इतना महंगाई से, बेरोजगारी से, अलापरवाही से, और सिलेंडर 18 महीना पहले क्या कीमत था, आज क्या है लोगों देख रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी के जबरदस्ती सीबीआई के जरिए इनको फर्जी मुकदमा फंसाने का काम किया। आज रोग बीमारी से भी ग्रस्त हैं, फिर भी मेरे जैसा को खोज रहे हैं लोग, इनको पर
क्या कहता है अजलेम पर अजलेम लगाता कि पैसा वाले के हैं तो रुपया लेके ऐसे करते हैं। आज उन लोग देखे चाय बेचने वाला के कहते थे कि हम बेटा है तो चाय बेचने वाला को टिकट दिए, कपड़ा धोने वाला को टिकट दिए, डोम को टिकट दिए ना सफाई अभियान में दो गो का हम हिस्सा रहता है धोबी और डोम का। हॉस्पिटल हो या न्यायालय या कार्यालय या स्कूल हो सभी जगह के सफाई करने वाला बासर मैना हमारे जो होते हैं डोम भाई, लेकिन ये दोनों का कहीं नई जगह देने का कोई काम करते, लेकिन हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद दिखाने का काम किया कि हम भी गरीब किसान समाज से आते थे लेकिन आज हमारे यहाँ लोग के प्रति सोचने का काम किया। हाँ, विधान परिषद जाएंगे तो सामने में कई मंत्री होंगे, नीतीश कुमार भी सामने में मिलेंगे, उन सबसे अपनी बातों को रखिएगा, जनता की तकलीफ को सुनाइएगा उनको, तब सुनाएंगे, उनके प्रति बोलेंगे, उनके प्रति उनको ना है अंधे हुए हैं जो उनको जाने, उनको चार चश्मा लगा करके कहेंगे देखने का काम कीजिए, जो बेरोजगारी होल है इतना महंगाई होल है, हमारा बिहार सबसे ज़्यादा संख्या में सत्ता में है फिर भी इतना पीछे क्यों जा रहा है, मेहनत में है हमारा बिहारवासी, हर प्रदेश में हर इमारत बड़े बड़े इमारत में बड़े बड़े पुल में बड़े बड़े कारखाना ने हमारा बिहार का नौजवान किसान मजदूर आज क्यों स्थिति पर बाहर जाने का दूसरा स्टेट में जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में अलापरवाही सरकार है, गोंगा सरकार है, बहरा सरकार है, खाली कहते हैं हम काम करते हैं कोई काम नहीं, हमारे लालू प्रसाद जी ऐसा काम करके दिखाए हैं कि आज लोग देख रहे हैं। कैसे जाइएगा आपके पास तो गाड़ी भी नहीं लगता है? पैदल चलती हूँ मैं, भाड़ा वाला गाड़ी से चलती हूँ, कैसे जाइएगा? विधान परिषद जाएंगे तो सोचा जाएगा। कैसे जाइएगा? पढ़े लिखे उम्मीदवार सत्ता तो लोकतंत्र के मालिक सभी होते हैं, अशिक्षित हैं जो भी सत्ता देने का काम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आपकी जगह, वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनके पास सब चीज़ है, क्यों शिक्षा भी है माने प्रॉपर्टी भी है, उनको चार गो नौकर चौकर है, प्लेन है, ट्रेन है, उनको सब चीज़ है, मैं पैदल भ्रमण करती हूँ, नाइन मैट्रिक हूँ। तो पास में गाड़ी भी नहीं है और नीतीश कुमार से जब बिहार विधान परिषद में मुलाकात होगी, क्योंकि आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हो जाएंगी, तो ऐसे में ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने टिकट देकर अपने कार्यकर्ताओं में एक अलग सी जान जोश फूंक दी है, वहीं मुनीर रजक का क्या कुछ कहना है, कपड़े धोती है पटना में लेकिन हौसले कितने बुलंद है, गरीबों की आवाज़ उठाएगी सदन के अंदर, और नीतीश कुमार भी मिलेंगे तो उनसे क्या कहेगी, ये आपने सुना है उसने क्या कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद। हमारे बाबा साहब के बाद उपहार देने वाले लालू जी पैदा लिए, लालू प्रसाद जी हमारे जो पिताजी हैं जो भी बात करने लगे हमसे कि हम तुमको भेज रहे हैं मेले सी, हम खुशी से हमारा ठिकाना न रहा, खुशी का आंसू गिर गया। CBI के जरिए इनको फाजी मुकदमा फंसाने का काम किया, आज रोग बीमारी से भी ग्रस्त हैं फिर भी मेरे जैसा को खोज रहे हैं, उनको चार चश्मा लगा करके कहेंगे देखने का काम कीजिए, जो बेरोजगारी होल है इतना महंगाई होल है, मजदूर आज क्यों स्थिति पर बाहर जाने का दूसरा स्टेट में जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में अलापरवाही सरकार है, गोंगा सरकार है, बहरा सरकार है, खाली कहते हैं हम काम करते हैं।